तो गाइस बॉडी वेट हो चुका है 92.800 आ रहा है, 900 था शायद, तो 100 ग्राम से बच गया। 5-6 दिन से कुछ खाया था नहीं ढंग से, क्योंकि 97 था वेट मेरा एक हफ्ते पहले। अब कॉलेज का इवेंट है, मतलब कुछ एनुअल डे टाइप है, तो वहाँ भी जाना है। वेट के साथ थोड़ी पावर भी गिरती है, तो देखते हैं अब कैसा जाता है। अपनी तैयारी है 7-8 महीने की, तो विल गिव अप बेस्ट। तो भाई बॉडी को रेस्ट दिए बिना कंपटीशन में पहुंच गए हैं, परफॉर्मेंस देख ही सकते हो आप। बढ़िया चल। बढ़िया चले चले फर्स्ट लिफ्ट से ही लोड फील होना शुरू हो गया था, देखते हैं आगे बाकी। चले जोटे आराम धीरे धीरे घुस के और जा और जा जा और जा और जा और जा और जा और जा और जा चल बेटे बढ़िया। कंपटीशन में 250 का स्टार्ट लिखवाया था और टारगेट 260-270 का था, और यहाँ परफॉर्मेंस तो बहुत ख़राब हो गई थी। स्क्वाट का थर्ड अटेम्प्ट भी फेल,
माइनर सीटिंग की वजह से। सारी फेल्ड लिफ्ट्स अपनी गलती की वजह से हैं, क्योंकि जिम में मारी हुई हैं और यहाँ नहीं लग रही। तो भाई परफॉर्मेंस तो ख़राब ही थी, क्योंकि 5 किलो की वजह से सिल्वर मेडल रह गया और 7.5 किलो की वजह से गोल्ड मेडल रह गया। पर हाँ, ये है कि काफ़ी कुछ सीखने को मिला इस कंपटीशन से, कि 2 दिन पहले तुम्हें रेस्ट पे ही रहना है, अपनी डाइट पे ध्यान दो, रेस्ट लो, कहीं पे भी घूमने मत जाओ, जो भी है किसी भी फालतू काम में मत पड़ो। क्योंकि परफॉर्मेंस अगर अप टू द मार्क होती तो जिम में 265-270 का स्क्वाट पहले मार चुका था मैं कंपटीशन से जस्ट 15 डेज पहले। पर यह कि हाँ, वेट तोड़ने की वजह से पावर भी गिरती है, तो वही वाला हिसाब था। पर यह है कि हाँ, सीखने के लिए कंपटीशन बहुत सही था, वेल ऑर्गेनाइज था और कंपटीशन लेवल भी बहुत अच्छा था, तो ब्रॉन्ज मेडल स्कोर करना भी इज क्वाइट एन अचीवमेंट। बाकी एथलीट्स के लिए तो यही एडवाइस है कि आप लाइफ में भी कुछ और करो गेम के साथ, कि आप अपग्रेड कर पाओ। और अगर आप अपनी गेम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो किसी इंसान के लिए भी, इधर इट बी योर बेस्ट फ्रेंड एक्स, आपके इवन कजन्स, वो आपकी गेम से कोई मतलब नहीं रखते, ना आपके गोल्स से। वो आपको कहीं ना कहीं इंजॉय करते, फन करते, कोई क्लब में, फ्लैट पे, कहीं ना कहीं दिख ही जाएंगे। और आप तब सोचोगे कि यार उस टाइम में काम ही कर लेता इन पे टाइम स्पेंड करने की जगह। स्टिल एक अच्छे खासे टोटल पे मैं पहुंच गया हूँ बहुत कम टाइम में। काफ़ी लोगों को बहुत साल लग जाते हैं इस टोटल तक भी पहुंचने में,
तो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। बाकी अब नेक्स्ट कॉम्पिटिशन तो दिसंबर एंड में या फिर नवंबर एंड में ही है, नॉर्थ इंडिया है उस कॉम्पिटिशन का नाम, उसके लिए प्रिपरेशन अब ढंग से रखेंगे, जो कुछ सीखा है उस और जो कुछ गलतियाँ इस कॉम्पिटिशन में किया उसमें नहीं करेंगे। सो बाकी एथलीट्स भी अपनी ट्रेनिंग पे फुल पावर रखो, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट कॉम्पिटिशन।